अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज की रेसिपी है क्लासिक स्टाइल कस्टर्ड ट्रैफल। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कस्टर्ड के, इसमें आप लेयरिंग अपने तरीके से अपने जो है वो वेरिएशंस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम इसको बनाएंगे, जो इसकी बेस जाएगी कस्टर्ड की, सिंपल कस्टर्ड है, वनीला कस्टर्ड मैंने ले रही हूँ। इसमें आपका जो फ्लेवर दिल करे आप डालें, बस इसमें एक जो चीज़ मैं इसमें डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, वो है वनीला एसेंस। थोड़ा फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस कर देता है। सबसे पहले हमने मिल्क को बॉईल करना है। ये है मेरे पास फुल फैट मिल्क, 1 लीटर है, इसको मैंने डाल दिया। अब इसको मैं एक उबाल दे दूंगी जोश आने पे। फिर जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, इसमें मैंने डाल दिया है चीनी। चीनी डालने के बाद इसको मैंने, जैसा कि आपको बताया था, मैं इसमें डालती हूँ वनीला एसेंस। उसकी डालने की वजह है कि उसका जो फ्लेवर और एक अरोमा है ना, बहुत मज़े का लगता है। ये मेरी अम्मी डालती थी, तो अब उनसे जो है मैंने भी सीखी ये चीज़। अब हम बनाएंगे जेली। किसी भी फ्लेवर की आप जेली ले लीजिएगा, 1 पैकेट है। उसमें हमेशा मैं जो है बॉइलिंग वाटर का रेशियो रखती हूँ 1/2 कप। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, डिजॉल्व करके इसको साइड पे रख दें ताकि ये सेट हो जाए। आप इसमें 2-3 तरह की भी जो है जेलीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है एक उबाल आ गया था, जो मेरे पास डिजॉल्व वनीला कस्टर्ड था उसको मैंने डाला है। अब इसको आपने जो मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टेयर करना है, इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। अगर इसमें बस आपने जो है ना स्टेयर करते रहने कंटिन्यूसली, उससे आपका सिल्की स्मूथ कस्टर्ड बनना चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो गाढ़ा होना चाहिए। अभी देखिएगा, इसमें जो है बबल्स आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे। मैंने इसको अच्छे से स्टेयर किया दोबारा से, देखिए बिल्कुल स्मूथ और शाइनी सिल्की आपका कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बस मीडियम जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम रखना है, और थोड़ा एहतियात से इसको स्टेयर करना कि नीचे लगे नहीं। अब इसको आपने जो है लेयरिंग की तैयारी करनी है। ये मेरे पास कस्टर्ड है, मैं इसमें जो है डालूंगी केक और जेली। बिल्कुल सिंपल, जो क्लासिक हम अपने बचपन में हमारी अम्मियाँ बनाती थी ना, मुझे वही तरीका पसंद है। लेकिन आप इसमें वेरिएशन किस तरह कर सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल डाल दें, पाइनएप्पल डालें, फ्रेश फ्रूट डाल दें। अच्छा, आपने एक और ख्याल ये रखना है कि जो कस्टर्ड है उसको आपने प्रॉपर रूम टेम्परेचर पर जो है ना लाना है, उसको ठंडा कर लेना है। मुझे थोड़ी सी जो है जल्दी थी, तो मैंने जो है गर्म गर्म ही लेयरिंग कर दी थी। केक की लेयरिंग दें, जेली की दें, फिर इसमें जो है ना स्काई लिमिट, आपने जिस तरीके से अपने जो ट्रैफल आपको पसंद है आप उस तरह से बनाएं। इसमें जितनी जेलियाँ डालनी है आप डालें, जितने पाइनएप्पल कॉकटेल डालें, फ्रेश फ्रूट अगर डालने हो तो उसमें आप केला सेब डाल सकते हैं, और अब तो खैर मैंगो सीज़न नहीं है तो वो तो आप नहीं डाल सकते। तो बस इसको डालने हैं, इसको सजाएं, अच्छी सी प्रेजेंटेशन करें। 1 कप जो है क्रीम ऊपर से आपने जो डालें, क्योंकि ट्रैफल में क्रीम के बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसको आपने डालना है, डेकोरेट कर दें, और इसको बहुत अच्छा सा जो है ना इसको आपने चिल करना है फ्रिज में रख के, और फिर चिल ही इसको आपने चिल्ड सर्व कर देना है। बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट्स थी, बहुत इजी बिगनर्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत से आती थी क्वेरीज के सिंपल कस्टर्ड किस तरह की। बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है ना माशाल्लाह से मुझे पता है सबको आती हैं चीज़ें बनाना। तो ये बेसिक से इंग्रेडिएंट थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।